हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल, चैनल बैक टू वेलकम। अरे ये कह रहे मैं नाटी जैसे साउंड क्यों कर रहे हैं पर कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैंने तुम्हें 2 महीने वीडियो लेट दिया। हाँ मुझे पता है कि मैंने बोला था जैसे ही हमारा म्यूज़िक वीडियो आ जाएगा उसके तुरंत बाद हम BTS वाला वीडियो डाल देंगे, पर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गया। बट खैर कोई बात नहीं, वीडियो लेट हुआ तो हुआ पर उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, जैसे कि कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इनफैक्ट भुवन बाम, थगेश, न्यूज़ बॉय, टॉक्सिक और इनफैक्ट जोगिंदर ने तक हमारा खुद गाना सुना है। अब इसमें से पता है मुझे बहुत लोग कहेंगे कि ये भाई झूठ क्या बोल रहा है, पर भाई तुम्हें वीडियो प्रूफ स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएंगे आखिरी में, तो बने रहना। तो यार बात है 20 नवंबर 2021 की, दिन अच्छा जा रहा था कि अचानक शाम को एक जहर रूपी डिस्ट्रैक्ट यूट्यूब पर प्रकट होता है, जो जोगिंदर का डिस्ट्रैक्ट था। उसके बाद जो यूट्यूब पे जोगिंदर को रोस्ट करने का सिलसिला चलता रहा। इनफैक्ट मैं भी खुद रोस्ट करने वाला था, पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि लाइक सेम तुम रोस्ट कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करेंगे, तो मैं रुका रहा थोड़ी देर। उसी दिन फिर क्रेजी दीप नाम के यूट्यूबर का एक डिस्ट्रैक्ट आ गया, मैंने सुना, मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर दो तीन दिन बीते और 23 नवंबर 2021 हीरो मोंचिक का डिस्ट्रैक्ट आया, जो कि कतई टट्टी था। लाइक दो तीन मिलियन वाले यूट्यूबर्स इतने बेकार गाने निकाल रहे थे, तो पता नहीं मेरे दिल में कैसे तो बिचुलबुली मची और मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक डिस्ट्रैक्ट निकालते। और पहले तो हम मजाक में चल रहे थे, इनफैक्ट मैंने डाकू और नल्ले को ही बताया था कि हम डिस्ट्रैक्ट निकालेंगे और वो भी मुझ पर हंस रहे थे, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। तो फिर हमने दो तीन दिन और मजाक में निकाल लिए, तो 25 नवंबर 2021 को मेरे पापा का बर्थडे था। दिन आराम से मज़े में निकला, पार्टी वार्टी हुई, मज़े किए। रात को पता नहीं मुझे क्या दौरे पड़े कि मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया मिशन डिस्ट्रैक्ट। तो ग्रुप बनाने के बाद मैंने उसमें 2 लोगों को ऐड किया, फर्स्ट था आदित्य और दूसरा था आश्चर्य। आदित्य हमारा वीडियो एडिटिंग का काम संभालने वाला था और आश्चर्य लिरिक्स का, क्योंकि उसको मतलब लिरिक्स मैं ही बनाने वाला था, लाइक मुझे हेल्प करने वाला था क्योंकि उसे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मुझे बिल्कुल नहीं था। मैं ऐसा बंदा हूँ जिसे म्यूज़िक का कुछ नहीं आता, सिर्फ सुनने के लिए गाने सुनता हूँ। और लाइक मुझे अचानक से दौरा पड़ा कि चलो भाई डिस्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो भाई मैं उस चीज़ में उतरा और हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, आगे बताता हूँ। तो ग्रुप बनाने के बाद मैंने एक लंबा चौड़ा मैसेज तो मैंने एक बड़ा सा मैसेज लिख के भेजा मेरे 2 दोस्तों को कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाली है, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो हाँ बोलो। और मेरे दोनों दोस्त इतने अच्छे कि दोनों ने जल्दी हाँ बोल दिया और हमने उसी दिन मतलब 25 नवंबर को तो रात हो गई थी, हमने 26 से ही काम गाने पे शुरू कर दिया। तो एक दो दिन हमारे चीज़ें एक्सप्लोर करने में चले गए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा कि गाना बनाना तो हलवा है, क्योंकि टोनी कक्कर के गाने एक देख लिए थे ना मैंने। तो उसके बाद तो देखो आश्चर्य स्टार्टिंग में बीट्स प्रोड्यूस करने वाला था, मैं वोकल्स रिकॉर्ड करने वाला था, लिरिक्स लिखने वाला था और मिक्सिंग मास्टरिंग भी आश्चर्य ही करने वाला था। तो जिंदगी आराम से चल रही थी, रात को 1-1, 2-2 बजे तक डिस्कॉर्ड पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो फिर उसी दिन हमने म्यूज़िक प्रोड्यूस करने का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद देखा तो सॉफ्टवेयर एकदम मक्खन चल रहा था, हमें लगा इजीली हो जाएगा। हमने गाना एकदम ट्रायल बना के देखा और उसके बाद हमने देखा कि वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ते, जो कि बहुत ज़्यादा थे। तो आश्चर्य ने कहा कि भाई इससे अच्छा हम यूट्यूब पे से फ्री बीट्स ढूंढ लेते या पेड खरीद लेते। तो यूट्यूब पे बहुत 1-2 दिन स्क्रॉल करने के बाद भी हमें अच्छी बीट्स नहीं मिली, और उसके बाद जब हमने पेड बीट्स की तरफ देखा, एक बीट हमें बहुत पसंद आई और वो बहुत सही लग रही थी, तो फिर हमने सोचा कि इसे देखते। तो प्राइस देखा $20, तो स्टार्टिंग में मुझे लगा 20 रुपए में मिल रही है तो मैं खुश हो गया। फिर वहां पर जाके डॉलर का साइन देखा तो मुझे लगा 1400-1500 रुपए इधर देना वेस्ट है। तो फिर जब हमें अच्छी खासी बीट्स नहीं मिल रही थी, हम खुद बीट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हायर कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को कॉल किया, लगभग मैंने बहुत लोगों से बात कर ली थी और अब तक मुझे अच्छा खासा नॉलेज आ चुका था कि लोगों से कैसे बात करते हैं, मतलब अभी भी आता था लाइक प्रोफेशनल वे में। तो हम जैसे जैसे स्टूडियो ढूंढने बैठे, स्टूडियो हद पार छप्पर फाड़ महंगे थे, लाइक 10-10 हज़ार से स्टार्टिंग हो रही थी। यहाँ पर तुम्हें स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जिसमें दिख रहा होगा कि मैंने कितने सारे स्टूडियो में बात की है, पर हमारे बजट से सब बाहर था क्योंकि म्यूजिक में पैसे लगाने वाला मैं। अब फिर आखिरकार जब हमने बहुत ढूंढा तो मुझे एक हमारे औकात के हिसाब से प्रोड्यूसर मिल गया, और जब हमें हमारा म्यूजिक प्रोड्यूसर मिला वो बहुत अच्छा था, लाइक दिल से भी, और पैसे भी उसने कम लिए, हमें डिस्काउंट भी दिया लाइक स्टूडेंट वाइज। अब तुम लोग पूछोगे अश्विन भाई हमें बताओ ना कितने में गाना किया। तो देखो यार बताने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने ऑडियंस के साथ सब ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, अगर मेरा गाना 20,000 में बना तो तुम लोग क्या सोचोगे कि भाई 20,000 दे दो गाना बन जाएगा जबरदस्त, वैसा नहीं होता है। तुम मेरी क्रिएटिविटी पैसे से नहीं नाप सकते, हाँ मतलब 1 करोड़ दे दो तो बात अलग है, बट ऐसे तुम नाप नहीं सकते। और
जितने भी हमने मतलब जितने भी हमने एफर्ट्स किए वो सब तुम पैसे के तराजू में नहीं तोल सकते, इसलिए मैं तुम्हें गाने का बजट नहीं बता रहा, ठीक है। तो देखो यार, हमारा प्रोड्यूसर फाइनल हो चुका था और उसने हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया था। तो अभी बात आती है गाना लिखने की। तो देखो यार, जब हम गाना लिख रहे थे नवंबर में, तब कोविड पीक पे चल रहा था, हम किसी के घर पे नहीं मिल सकते थे, ना मेरे घर पे ना आश्चर्य के घर पे। तो देखो यार, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके बोल रहा है, इमोशनल वे में बताने की कोशिश कर रहा है, पर नहीं भाई, हम लोग पार्क में मिलते थे, ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के हमने गाना लिखा है जिसमें से भी मच्छर बहुत काटते थे। तो आश्चर्य के लाइक तब एग्जाम्स चल रहे थे 11th के, और भाई वो बंदा इतना सही है, वो अपने एग्जाम उसके कल के एग्जाम है फिर भी वो मुझे मिलने को आता था, हम गाना डिस्कस करते थे। तो बहुत दिन हमने गाना तो डिस्कस किया कि लाइक लिखना क्या है, मैंने सब टॉपिक्स लिख के रख लिए थे कि क्या क्या बोलना है। देखो यार, अगर तुम किसी पे डिस्ट्रैक्ट निकालते हो तो तुम्हें उसकी पूरी जन्म कुंडली पता रहनी चाहिए। और रही बात मेरी कि भाई तुमने इतना बड़ा रिसर्च कैसे किया, तो देखो यार, जिन्हें नहीं पता, मेरे रोस्ट वाला तुम्हें प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उसमें मैंने बहुत सारे, इनफैक्ट जोगिंदर का एक अलग प्लेलिस्ट बना लिया है, तो मुझे उसके सब पास्ट और प्रेजेंट का सब कांड पता थे। तो मेरे लिए रिसर्च कुछ नहीं थी, बस एक बार टचअप करके रिविजन करना था। तो मैंने रिसर्च कर ली, सब टॉपिक्स लिख लिए और गाना लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने गाना लिखा, अराउंड 2-3 दिनों में हमने गाना लिखा, मैंने आश्चर्य को भेजा और आश्चर्य ने कहा कि भाई तूने अच्छा लिखा है बट राइटिंग पुअर है, क्योंकि भाई मैं जस्ट नया आया था उस फील्ड में। तो उसके बाद हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने हमें बीट्स प्रोड्यूस करके दी और भाई गाना उस पर बिल्कुल कंपोज नहीं हो रहा था। लिटरली मैंने 2-3 बार गाना कंपोज किया। अब जिन्हें गाना कंपोज करने का मतलब नहीं पता, बता रहा हूँ ना यार। तो देखो, जो बीट्स होती है तुम्हारा गाना उससे मैच होना चाहिए। तो बड़े बड़े सिंगर्स क्या करते हैं, वो बीट्स बना लेते हैं और फिर गाना उसके हिसाब से लिखते हैं। बट हमने पहले लिरिक्स ही, हमें खुद पर भरोसा नहीं था। लाइक मैं हर चीज़ जो किसी को बताता हूँ वो कभी होती नहीं है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ कभी किसी को बताई नहीं। तुमने ढिंडोरा से भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ हमारे ग्रुप को पता था और किसी को नहीं पता था। तो लाइक हमने पहले लिरिक्स लिख लिए कि हमें खुद पे भरोसा आना चाहिए था कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। हमने लिरिक्स लिख लिए और फिर बाद में पैसे तो देना बाकी था, तो हमने बीट्स बनवा लिए, फिर उसके हिसाब से हमने 2-3 बार एडजस्टमेंट किए। और इनफैक्ट हमारा प्रोड्यूसर भी इतना मस्त था कि जहाँ पर से कंपोज नहीं हो रहा था वहाँ पर उसने हमारी हेल्प की, इनफैक्ट उसने 1-2 लाइन उसने हेल्प की, और हमारे हिसाब से लाइक बहुत बार उसने गाने का वर्स चेंज किया, फास्ट कर दिया, स्लो कर दिया, ऐसा बहुत जगह किया उसने। लाइक हमारा प्रोड्यूसर रियली सपोर्टिव था। तो देखो यार, हमारा प्लान था कि लाइक हमने 25 नवंबर को चीज़ें स्टार्ट की थी, लाइक 1 दिसंबर तक हमारा गाना पूरा बन जाना चाहिए। आई नो कि बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे लगा था कि 1 दिसंबर तक हम गाना निकाल लेंगे। और क्योंकि भाई देखो, अभी तुम फिजेट स्पिनर यूज़ नहीं करते हो, ना तुम अभी स्कूबी यूज़ करते हो। अगर मुझे लगा था कि हमने अगर ज़्यादा लेट किया तो टॉपिक कहीं इररेलेवेंट ना हो जाए। तो वैसे तुम्हें पता है मेरा गाना कितना लेट हुआ, बट छोड़ो। तो भाई हमने इतना कंपोज किया, हम रात को बहुत टाइम बैठते थे, एंड लाइक हैड्स ऑफ टू आश्चर्य भाई। जब भी मैं प्रोड्यूसर से कुछ छोटे छोटे चीज़ों के लिए मिलने जाता था, भाई बंदा अपनी स्कूटी लेके आ जाता था, कभी भी उसके पेपर रहे या नहीं फिर भी बंदा आ जाता था। भाई आश्चर्य, अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना भाई, थैंक यू भाई सो मच। तो ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था 26 नवंबर से। लाइक स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो हमें एक्सप्लोर करने में ही चला गया था कि लाइक कैसे लिखते हैं। और लिरिक्स लिखना बहुत हार्ड है, अभी तुम टोनी कक्कर के गाने सुनते हो तो भाई उसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। बारह दिसंबर 2021, लाइक मेरी मम्मी और मेरी मासी सब लोग घूमने जा रहे थे, और मुझे पूछा कि मम्मी नहीं आता है कि नहीं, तो मैं घर पर रुक गया क्योंकि मुझे आश्चर्य के साथ गाना कंपोज करना था। तो आश्चर्य मेरे घर पे 3 बजे आया और रात के 8 बजे तक हमने गाना कंपोज किया और गाना हमारा फाइनल हुआ। तुम्हें पेजेस में अभी मैं तुम्हें एक फ़ोटो दिखाऊंगा जिसमें कॉपी में तुम्हें पैराग्राफ दिख रहे होंगे, मेरी मम्मी को दिखाया, वो बोल रही थी स्टोरी वोरी लिख ले हो क्या, बट नहीं, वो गाना था। हमने इतना कीचड़ माचड़ करके लिखा पर फिर भी हमने सही लिखा, और कुछ कुछ लाइंस उसमें ऐसे भी है जो हमने यूज़ नहीं किए, फ्यूचर में यूज़ करेंगे ना भाई। तो फिर हमने गाना फिर उसी दिन प्रिंट विंट करा लिया, बर्थडे नोट्स। और लाइक नेक्स्ट डे जो था 13 दिसंबर 2021, उस सोचो तुम आज गाना पूरा बना रहे हो, तुम्हें गाना याद भी नहीं, और अगले दिन मुझे गाना जाके रिकॉर्ड करना था क्योंकि गाना लेट हो रहा था। तो अगले दिन हम चले गए, तो फिर से आश्चर्य भाई अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके आया, पर उसकी स्कूटी में एक प्रॉब्लम थी कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटी थी जो कि 30 के ऊपर जाती नहीं थी, तो कहीं भी पास में भी जाना हो तो बहुत टाइम लग जाता था, और मेरे प्रोड्यूसर का स्टूडियो बहुत दूर था। तो लाइक हम 3 बजे निकले तो 4 बजे पहुँचे, और फिर कंटिन्यूस मैंने 4 घंटे गाना रिकॉर्ड किया, लाइक 4 से 8 गाना, और फिर हम घर पर 9-10 बजे आ गए थे। तो इसमें भी तुम्हें लग रहा कि भाई चलो गए गाना रिकॉर्ड किया 3 मिनट
मिनट का, पर तुम सोचो 3 मिनट का गाना रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 4 घंटे लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते बराबर तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था भाई, मैं वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि भाई मेरे सामने दो दो म्यूज़िक प्रोड्यूसर आश्चर्य भी मुझे हरामियों की नज़रों से देख रहा था कि भाई ये बंदा कैसे परफॉर्म करता है। तो जाते साथ मुझे तो थोड़ा टाइम उन्होंने लिरिक्स लर्न करने को दे दिया और फिर मैंने गाना शुरू किया। पहले बहुत एनर्जी से गाना किया, फिर उसके बाद मैं 2 घंटे बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था क्योंकि हमें बार बार रीटेक्स लेने पड़ रहे थे। मैं हूँ खूंखार तेरी सोच से भी आगे, मचा दूं मैं बवाल तेरी जान से भी प्यारी, उखाड़ू सरकार मैं हूँ महाकाल, अब आएगा अकाल बिग बॉस के लिए, तूने रची ये कहानी क्या फायदा वहां पर भी बेइज्जती करानी तुझे भी लोगों से। बहुत लाउड है काट दू जैसे तू कोई है और ये गेम ही फेम का ही तेरा गेम है भाई। देख ले सांस ले लिया तूने भाई, पहले राय नहीं भूल गया। हां आराम से चिल एकदम, टेंशन नहीं लेना। मैं हूँ कलाकार मैं हूँ खूंखार तेरी सोच से भी आगे, मचा दूं मैं बवाल तेरी जान से भी प्यारी, उखाड़ू सरकार मैं हूँ महाकाल, अब आएगा अकाल बिग बॉस के लिए, तूने रची ये कहानी क्या फायदा वहां पर भी बेइज्जती करानी तुझे भी लोगों से, है नजर मिलानी काट दू जैसे तू कोई है और गेमी फेम का ही तेरा गेम है, व्यूज का ही बस एम है, बातें करता तू लेम है, तो रहता वही सेम सेम हो रहा तू इतना डीप है क्या कर ले। मैं हूँ महाकाल अब आएगा अकाल बिग बॉस के लिए, तूने रची ये कहानी क्या फायदा वहां पर भी बेइज्जती करानी तुझे भी लोगों से, है नजर मिलानी काट दू जैसे तू कोई है और गेमी फेम का ही तेरा गेम है, व्यूज का ही बस एम है, बातें करता तू लेम है, दोहराता वही सेम सेम हो रहा तू इतना डीप है, जा कर ले जाके। काट दू जैसे तू कोई है और गेमी फेम का ही तेरा गेम है, व्यूज का ही बस एम है, बातें करता तू लेम है, तो रहता वही सेम सेम। काट दू जैसे तू कोई है और गेमी फेम का ही तेरा गेम है, व्यूज का ही बस एम है, बातें करता तू लेम है, तो रहता अभी फ्लो में प्रॉब्लम आ रहा था तो कभी बात करते करते ऐसे सांस आ जा रही थी तो बहुत प्रॉब्लम हो गए थे। तो फिर 2 घंटे बाद मैं थोड़ा बैठा, लाइक 2 घंटे में खड़ा ही था एक जगह पर, फिर बैठा थोड़ा, वो प्रोड्यूसर भी अच्छा था तो उसने मुझे बनाना बनाना खाने के लिए दिया। फिर हमने गाना सुना होगा मेरा अगर, तो उसमें एक पैरा आश्चर्य की लाइन में, तो लाइक प्लान तो यही था कि पूरा गाना मैं ही बोलूँगा, पर मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था और मेरे से वो लाइन निकल ही नहीं रही थी, लाइक आधा एक घंटा चला गया वो फ्लो बैठ ही नहीं रहा था क्योंकि बहुत बड़ा फ्लो है। तो आश्चर्य और मैंने साथ में गाना कंपोज किया था तो हम दोनों गाना साथ में गाते थे, पर पता नहीं क्या मिरेकल हो गया कि आश्चर्य को तो फ्लो बैठ गया। तो हमने कहा कि भाई चलो दोनों ने मिलकर बना ही लिया, मेरा भाई ही तो है, मतलब दोस्त है पर भाई जैसा दोस्ती तो है, तो इसको भी रिकॉर्ड करने देते। तो आश्चर्य ने एक पैरा निकाला, फिर प्रोड्यूसर ने बोला कि भाई सब कुछ तूने इतना किया है, पैसे वैसे लगाए तो भाई तेरा आवाज़ कहाँ रहेगा। तो फिर हमने दोनों का आवाज़ मर्ज कर दिया, फिर वहाँ से गाना वापस मैंने कंटिन्यू किया और फिर गाना, फिर आखिरी के पैरास तो मैंने फटाफट 1-1 टेक में निकाले, इतना कॉन्फिडेंट हो गया था मैं क्योंकि थोड़े टाइम बाद मैं भी सेटल डाउन हो गया था, नर्वसनेस चली गई थी और बड़े मज़े से गाना निकाला। उसके बाद होता है असली कहानी शुरू। मैं बड़ा खुश था कि भाई मेरा गाना रिकॉर्ड हो चुका है। हम घर पर बटर गश्ती करते हुए जा रहे थे, जैसे ही घर पर पहुंचा एक फ्लाइंग चप्पल आके मेरे मुंह पे लगती है और मैंने उस दिन जो गालियां ताने और मार खाई है ना भाई, मुझे ही पता है।
उसके बाद मैं खुद डर गया था मम्मी से पूछने के लिए कि भाई मैं शूट के लिए कैसे जाऊँ। इनफैक्ट मेरे मम्मी को ये तक नहीं पता था, मेरे मम्मी को लग रहा था कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर मुझे फ्री में गाना म्यूज़िक प्रोड्यूस करके दे रहा है। पर जब मैं घर से बाहर जा रहा था मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर का फ़ोन आया, मम्मी को शक हुआ, मम्मी ने मुझसे पूछा क्या ये तुझे पैसे ले रहा है? मैंने कहा हाँ मम्मी ये पैसे ले रहा है। कितने पैसे ले रहा है? एक्स वाई जेड पैसे ले रहा है। मम्मी ने कहा क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है? और फिर वही लेक्चर शुरू कर दिया। उसके बाद फिर भी मैं ये सब चीज़ें इग्नोर करके गाना शूट किया, वापस आके गालियाँ खाया, और फिर उसके बाद भी मैंने और गालियाँ खाई, और वीडियो शूट का ख्याल मैंने थोड़े टाइम के लिए निकाल दिया। तो देखो यार, जैसे कि तुम्हें पता है कि 13 दिसंबर हमारे वोकल्स रिकॉर्ड हो गए थे और एक दिन का मैंने ब्रेक लिया, मतलब ब्रेक इन द सेंस कि हम लोकेशन ढूंढ रहे थे, इधर इससे उससे पूछना, बहुत सारे जगह घूमे, लोकेशन नहीं मिली। तो 16 दिसंबर को हमें हमारे गाने का पहला वर्जन मिल जाता है। अब पहला क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम रुको बताता हूँ। तो फिर 16 दिसंबर को हमने गाने का देखा, 17 को मैंने प्रॉपर ब्रेक लिया क्योंकि मैं थोड़ा एग्जॉस्ट और घर के कामों में बिजी था। फिर 18 को मैंने नो वे होम वाला व्लॉग शूट किया था क्योंकि मेरे फ्रेंड का बर्थडे 18 को था, तो हम व्लॉग गए, मतलब हम मॉल में गए, व्लॉग व्लॉग शूट किया, वापस आया। 19 दिसंबर को हम वापस हमारा म्यूज़िक वीडियो का शूट कंप्लीट करने निकल गए। पर अब तुम लोग बोलोगे अश्विन भाई अभी तो तुमने बोला कि मम्मी जाने नहीं दे रही थी, फिर आप कैसे? तो अब ऐसे कि जब मेरी मम्मी बाहर गई थी, मैंने मेरे घर का पुराना सोनी वाला कैमरा उठाया, नल्ले को उठाया, पीछे वाले ग्राउंड में गया और वहाँ पर हम शूट करने लग गए। वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी मम्मी शाम को बाहर गई थी और शाम को पार्क में बहुत सारे दादाजी, बच्चे और आंटियां थी, इधर की नजरों से देख रहे थे। भाई इतना एम्बेरसमेंट फील किया था ना मैंने कि अच्छे से शूट हुआ ही नहीं, और फिर घर जाके देखे तो हमने बहुत गंदे तरीके से हक दिया था। मैंने वीडियोस मेरे आदित्य को सेंड कर दिए थे, वो बोला कि भाई नहीं जमने वाला, इससे तेरे मजाक उड़ेगा। हमने फूकने का सीन बनाया था पर वो भी जमा नहीं, अरे वो सिगरेट नहीं है, वो धूप अगरबत्ती है जो भगवान को चढ़ाते हैं, तो वो भी हमसे जमा नहीं। तो फिर उसके बाद हमने बोला कि अब मेरे में हिम्मत नहीं थी मम्मी से पूछने की कि लाइक मम्मी मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे बहुत गंदा डाला था और ये सारे काम हम चुप चुप के कर रहे थे। तो देखो यार, हमने 19 तारीख को शूट किया था कि जो कि बिल्कुल नहीं जमा, मैं नल्ले को साथ में लेके था पर वो नहीं जमा। तो फिर 20 तारीख को हम रुके और हम प्लान ही कर रहे थे कि आगे कैसे शूट करना है। तो पता नहीं मेरे प्रोड्यूसर को क्या दौरे पड़े, उसने 21 दिसंबर को मुझे मेरे गाने का फाइनेस्ट वर्जन भेजा, लाइक एनहांस करके बीट्स और क्लैप्स, जो कि बहुत सही लग रहा था। मैंने मेरे एडिटर को बोला कि भाई तू यही डालना करके गाने में, तो उसने कहा ओके भाई। तो हम आगे चल रहे थे, फिर मेरा एडिटर कह रहा था कि भाई तू एडिट क्या, तूने जो 30 वीडियो शूट किया उसको वापस कर। तो 21 को हमें गाना मिला, हम थोड़े टाइम रुके। 23 दिसंबर को हमने सेकेंड शूट किया, जिसमें वापस दोपहर को मेरे मम्मी पापा बाहर गए थे, तो मैंने नल्ले को वापस बुलाया मेरे घर पे और नल्ले ने दो टेक्स्ट लिया। भाई मेरे दोस्त इतने सही है कि लाइक कभी भी बुलाओ मुझे हेल्प करने आ जाते हैं, पर नल्ला इतना चूतिया है, उसको मैंने बोला था कि 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्ड करना, उसने 1080p 60fps में रिकॉर्ड की। तो वो भला हो मेरे एडिटर का जिसने वो चीज़ें मैनेज कर ली आखिरकार। तो फिर जब हमने वो एनालाइज किया कि हमारे दोनों शूट बेकार जा चुके क्योंकि हम घर के बाहर नहीं जा पा रहे थे, हमने कैसे भी जल्दी जल्दी में वीडियो शूट कर लिया था, तो फिर हमने सोचा कि वीडियो को हम कार्टूनिस्टिक तरीके से बनाएंगे, उसमें रेफरेंसेस डालेंगे। जैसे कि तुमने वो रेफरेंस देखा होगा टोनी कक्कर वाला, दोहराता वही सेम, तो सेम के बाद हमने टोनी कक्कर डाला था, लाइक उसके जो गाने रहते कुर्ता पजामा काला काला, और लाइक जो एक लाइन थी उसमें बजाते वक्त मारो ताली, वो हमने जुजुत्सु कैसेन नाम का एक पॉपुलर एनिमे है उसमें जो क्लैप वाली फाइट है वो बहुत सही है। तो लाइक हमने गाना इसके हिसाब से नहीं लिखा था, गाना लिखने के बाद हमने बहुत दिमाग लगा के उस रेफरेंसेस डाले थे। तो भाई इसके बाद हमने सब शूट कर लिया था, हमारा सब कुछ खत्म था, सब सही था। आदित्य भाई ने बोला था कि वो हमारे लिए एक यूट्यूबर्स पैक डाउनलोड कर लेंगे जो कि पेड था, उसने बोला था कि टाइम पे वो अरेंज कर देगा, पर कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से वो अरेंज नहीं हो पाया। तो 23 दिसंबर को हमने शूट किया था और आदित्य ने लाइक 24 उसके नेक्स्ट डे ही टीज़र मुझे बना के रेडी दे दिया था। हम 25 को डालने वाले थे पर हमने 24 को डाला क्योंकि लाइक 25 को क्रिसमस था और लोग बाहर जाते हैं एन्जॉय करने के लिए, मेरी वीडियो कौन ही देखता। 24 को मैंने टीज़र डाला और टीज़र पे जो ही खतरे रिस्पॉन्स आए, लाइक सभी लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई टीज़र से ही सही लग रहा है, जल्दी नया गाना कब आएगा। पहले तो मुझे लगा कि टीज़र डालेंगे थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, पर हुआ इसका उल्टा, हम पे प्रेशर और बढ़ गया था। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पहले से ही हाई हो चुकी थी और सब हमें ये पूछ रहे थे कि भाई गाना जल्दी लाओ बड़े मजे आने वाले। तो जब आदित्य ने मुझे एक दिन में टीजर करके दे दिया था तो मुझे लगा कि भाई ये बंदा क्या 2-3 दिन लेगा और हमारा पूरा गाना जल्दी आ जाएगा। 31st के पहले हम 31st के न्यू ईयर पार्टी पे मेरे गाने पे नाच रहे होंगे, मैं ये सब सोच के चल रहा था। पर भाई क्रिसमस के दिन हमने बोला कि भाई एक दिन ऑफ रखते क्योंकि सब
लोग नवंबर से मेहनत कर रहे थे, एक महीना होते आ रहा था। तो फिर हमने एक दिन ऑफ रखा और हमें पता चला कि मेरे एडिटर की, मतलब मेरे एडिटर के मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। तो वो उसने कहा कि भाई मैं आज के दिन बिजी हूँ। तो हमने भी कहा ठीक है भाई, हम तब तक रेफरेंसेस सोच लेते हैं। तो उसके बाद मेरा एडिटर चला गया जंगलों में, गाँव में, इसने इतना गाना लेट किया। आखिरकार फिर जनवरी शुरू हो गया, जनवरी 5-6 निकल गई। फिर मैंने उसको बोला कि भाई तू प्लीज़ हम तुझे रेफरेंसेस भेजते हैं, तू मुझे एक दो दिन में गाना एडिट करके दे दे। तो मेरे एडिटर ने आखिरकार 8 जनवरी को मुझे पूरा गाना एडिट करके दिया। पर बंदे तुम सोचो, जिस रेफरेंसेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थी, लाइक एनाबेला वाला रेफरेंस था, जुजुत्सु काइसेन वाला रेफरेंस था, टोनी कक्कर वाला रेफरेंस था, इसने वो डाले ही नहीं थे। तो फिर वापस ये बंदा को हमने बोला कि भाई इसको एडिट करते, छोटा सा ही है। तो इसने पता है क्या कहा, ये बीमार था हमारा क्योंकि इसने वैक्सीन ले लिया था। और फिर लाइक हम 8 तारीख को रुके, 9 को रुके, 10 को रुके, 11 को रुके। और फिर 11 के रात को मुझे आदित्य बोलता है कि देख भाई मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, इसके आगे मैं नहीं कर सकता। विच वॉज जेन्यून कि लाइक बंदा 1.5 महीने से मेहनत कर रहा है। मैं आदित्य को ब्लेम नहीं करता, उसकी जगह कोई भी होता तो एक तो हेल्प नहीं करता और हेल्प करता तो कुछ भी आड़ा टेढ़ा कर देता। वो भी एग्जॉस्ट हो चुका था, आई अंडरस्टैंड दैट। फिर मैंने और आशा ने डिसाइड किया कि भाई जो भी करना है आज ही करना है, क्योंकि गाना पहले ही बहुत लेट हो चुका था और मुझे किसी भी हालत में गाना 12 जनवरी को रिलीज करना था। तो मैं रात के 10:30 एडिटिंग को बैठा और रात सुबह के 4-5 तक एडिटिंग की, 5 सोया, 7:30 वापस उठा और वापस एडिटिंग शुरू की। तो इसमें मैंने किया क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पोस्टर बनाने में 2 लग गए क्योंकि भाई मेरे पास फोटोज़ अच्छी नहीं थी। मैंने 2 फोटोज़ बनाई और वो नल्ले को भेज दी। नल्ला बोल रहा था कि भाई तू ऐसा करेगा तो गाना मत बना। तो फिर हमने और डिसाइड किया, पहले तो मुझे फोटोज़ ढूंढने में बहुत टाइम लगे। और देखो भाई मैं इंस्टाग्राम का मॉडल हूँ नहीं कि जो एक क्लिक में मस्त वाली फोटोज़ आएंगी। बहुत फोटोज़ ढूंढने के बाद मुझे एक अच्छी फोटो मिली। तो भाई वो एक अच्छी फोटो को पहले मैंने मैनुअल कलर ग्रेडिंग की, फिर उसमें प्रीसेट्स लगाए, बहुत सारी चीज़ें की। और तुम्हें फोटो के साइड में मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, अच्छे से देखना, उधर जो फॉग है ना वो आर्टिफिशियल फॉग है। लाइक एक एक सर्कल में तुम्हें फॉग बनाना पड़ता है। मुझे इस एक फोटो को बनाने को 2 लग गए। अब तुम बोलोगे क्या भाई एक फोटो को 2 कैसे लग सकते हैं, इतना फेक क्यों रहा है। तो भाई जिन्हें नहीं पहले टाइप करा है 2 है भाई, भाई नंबर डायल करने में भी मेरा फ़ोन मर जाता है। तो मुझे 2 लग गए। उसके बाद मेरे ग्रुप को मेरा पोस्टर घंटा पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें फॉन्ट्स अच्छे नहीं थे। तो मैंने लिटरली फॉन्ट्स ढूंढने में, उसको अप्लाई करने में, और मैंने 3-5-6-7 फोटोज अलग अलग बना ली, स्क्रीन पर दिख रही होंगी, अलग अलग फॉन्ट में ट्राई की, अलग अलग चीजें ट्राई की। फिर आखिरी में मुझे मेरा सारा प्रोजेक्ट मिल गया। उसके बाद 2 बज चुके थे, मैंने थोड़ा फ्रेश हो गया, मतलब पानी वानी पिया, थोड़ा वॉशरूम जाके आया, वापस एडिटिंग करने को बैठ गया। अब मेरे पापा के फ़ोन, थैंक गॉड उस दिन पापा ने मुझे फ़ोन दिया, अलाउ किया। तो रात को मैं एडिटिंग करने बैठा, 4-4:30 तक 4K में एडिटिंग की है, जिसकी वजह से मेरा आईफोन इतना ओवरलोड हो गया था कि वो 2 अपने आप रीस्टार्ट हुआ। तो बीच में मुझे वो दिक्कत आ रही थी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स रेंडर करनी थी। उसके बाद रात को फाइल रेंडर हो गई, सुबह उठ के मैंने गाना अपलोड किया पर प्राइवेट रखा, और डिस्क्रिप्शन और टैग लगाना बाकी था, एक पोस्टर बन चुका था, थंबनेल बनाना बाकी था। और उसके बाद जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाना देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा गाना इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, रेशो, जियो सावन और अलग अलग कंपनीज में जो मिलता है और अलग अलग कंपनीज को जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में के लिए मैंने गाना दे दिया। सुबह के 10 की बात थी और बारिश इतनी आ रही थी कि बहुत मतलब नेटवर्क लैग हो रहा था। मैंने वो एक ही गाना 5-6 अपलोड करने का ट्राई किया पर नहीं हुआ। फिर लास्ट टाइम 7वें टाइम में गाना अपलोड हो गया था और गाना मैंने दोपहर को डाला। इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया गाने पे, गाना अपलोड करते बराबर जोगिंदर ने लाइक विद इन फ्यू मिनट्स जोगिंदर ने गाना देख लिया था। और बाकी यूट्यूबर जिनको मैंने टैग किया, लाइक टॉक्सिक के लाइक 5-6 सब्सक्राइबर्स है, भुवन बाम जिसके भाई 2 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जोगिंदर के 1 million+ सब्सक्राइबर है, न्यूज बॉय जिसके लाइक 8-9 सब्सक्राइबर्स है, थगेश जिसके भी 2 million से ज्यादा प्लस सब्सक्राइबर्स है, लाइक 20+ सब्सक्राइबर, उन लोगों ने तक हमारा गाना देखा, जिसके वजह से मुझे बहुत सही फील हो रहा था। उसके बाद हमें इतना इंसेन रिस्पॉन्स नहीं मिला, 1 में 100 व्यूज हो गए, दिन भर में 400 व्यूज हो गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लाइक। पर ये तो भाई तुम्हें पता है ना, तूफान के आने वाली
आने के पहले वाली शांति, सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा था और मुझे ये पता ही नहीं था कि स्पॉटिफाई पे मेरा गाना उसी दिन अपलोड हो चुका है। तो उस दिन अपलोड होने के बाद मैं थोड़ा टाइम रुका, फिर मैंने उसके करेक्ट एक हफ्ते बाद 19 जनवरी को मैंने देखा कि जिस दिन मेरा बर्थडे भी था, कि स्पॉटिफाई पे मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर का नाम है और आश्चर्य का नाम है और मेरा नाम है ही नहीं। और जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ, लाइक सोचो तुम इतनी सब अपनी मेहनत कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, लिरिक्स लिख रहे हो, कंपोजिंग के लिए बैठ रहे हो, एडिटिंग के लिए बैठ रहे हो और तुम्हारा नाम तक नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। और उसके बाद मुझे पता है और एक पता चला कि जो मैंने मेरे एडिटर को कहा था कि गाने में सेकेंड वर्जन यूज़ करना, उस बहतार ने पहला वर्जन डाल दिया गाने में। और ही वॉज सेइंग लाइक कि भाई कुछ ऑब्जर्व तो नहीं होता है ना भाई, छोटी छोटी डिटेल्स से अच्छी चीज़ें बनती है। तुम एवेंजर्स में जाके कह दो कि डिटेल्स मैटर नहीं करती, भाई मैटर करता है। तो उसके बाद मैं बहुत रोया, मेरा पूरा बर्थडे स्पॉइल हो गया। इनफैक्ट मैं रोया भी, मेरा बर्थडे स्पॉइल हो गया। तुम लोग कहेंगे कि भाई इतना सब किया फिर भी डिसअपॉइंटमेंट मिली, जोगिंदर ने भी तुझे भाव नहीं दिया, तो भाई ये चीज़ें वर्थ इट थी क्या? क्या इसका कंक्लूजन था? तो भाई ऑफकोर्स इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि हमने एक नए जॉनरा सही बोल रहा हूँ पता नहीं, हमने म्यूजिक फील्ड को नया डिस्कवर किया, लिरिक्स कैसे लिखते हैं, हुक्स कैसे करते हैं, वर्स क्या रहता है, हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। और इनफैक्ट इतने बड़े बड़े यूट्यूबर, भुवन बाम था गेस्ट, टॉक्सिक न्यूज़ बॉय और जोगिंदर और बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स से हमारी कॉन्टैक्ट हुई। और मुझे जब मैं प्रॉब्लम में फंसा तो लाइक जो जिन यूट्यूबर्स के 10,000 सब्सक्राइबर्स है, लाइक रिव्यू पैट और बाकी सारे, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, मुझे टाइम पे नाम याद नहीं आ रहे, इन सब ने हमारे हेल्प की, अप्रिशिएट किया कि भाई तुमने इतना अच्छा गाना बनाया। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक मैं वर्जन 1 वर्जन 2 की जो बात कर रहा था, यूट्यूब पे मेरा वर्जन 1 है, यूट्यूब पे मेरा वर्जन 2 है गाने का, तो तुम जाके सुन सकते हो। और भाई इतनी मेहनत की है तुम्हें, अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो। और गाने पे भाई 2 महीने हो गए, 1,000 व्यूज तो कर रहा हो यार, तुम क्रिंज को ऐसा टॉप पे लेके जाते हो पर हमें नहीं लेके जाते यार। प्लीज़ अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मार दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्पल म्यूजिक, रेशो, जियो सावन और भाई फॉरेन की भी कंपनीज में हमारा गाना है म्यूजिक प्लेटफॉर्म में, तुम्हें स्क्रीनशॉट में सारे कंपनीज दिख जाएंगे, वहाँ पर हमारा है। तो जाओ जाके गाना सुनो। और भाई अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हें मौत जल्दी आने वाली है, कैरी मिनाटी जैसा बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके जैसा नंबर 1 पे जाना। तो बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, राइट में तुम्हें मेरे म्यूजिक की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, लेफ्ट में तुम्हें रोस्ट की दिख रही होगी। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अंटिल वी मीट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what